चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। तो गाइस, मैं रिंकी और इस समय मतलब आज की तारीख है 11 अप्रैल और आज का दिन है थर्सडे और आज भी टाइम हो रहा है 6 बजे करीब हो रहा है। तो गाइस, इस समय आप देख सकते हो कितना दिन है, क्योंकि आज कल गर्मी हो रही है तो दिन मतलब कि 6:30 और 7 के बीच में ही रात शाम होती है, मतलब रात होती है, अंधेरा होता है। तो गाइस जो है ना, अभी तो काफ़ी उजाला है और जो है ना अभी मैंने ब्लॉग चालू कर दिया, आज मैं शॉप नहीं गई थी। तो गाइस जो है ना अभी मैंने ब्लॉग चालू किया है और अभी जो है ना मैंने जस्ट अभी लंच किया है, मतलब कि 3 बजे करीब में। आज लंच थोड़ा लेट हो गया था करने में और गाइस जो है ना शाम को मैं बैठी हुई हूँ आराम से। और कल मैंने जो है ना फर्स्ट चॉइस से सेल्फी स्टिक ली थी और जो मैंने आपको नहीं ब्लॉग में दिखाया, मेरे माइंड से ही स्किप कर गया, नहीं दिखाया। तो गाइस जो है ना मैंने सेल्फी स्टिक ली थी, ये वाली देख सकते हो सेल्फी स्टिक है ये, तो ये मैंने सेल्फी स्टिक ली थी। ये मैंने टेम्प्ररी ली थी क्योंकि जो है ना मैंने एक जगह सेल्फी स्टिक पूछा था तो उसके क्या जो है ना 500 के करीब में सेल्फी स्टिक थी। तो मैंने सोचा कि जो है ना मेरे पास ट्राईपॉड है और मुझे सेल्फी स्टिक इतनी महंगी की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा सस्ता लेना था। तो मुझे सस्ता उसकी शॉप में थी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि जो है ना 4-5 दिन के बाद आई है, तो फिर मैं सस्ते वाले सेल्फी स्टिक ले आऊँगा। तो गाइज फिर मेरी एक भतीजी ने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि उसके का क्या सेल्फी स्टिक अच्छा मिल जाता है, तो ये मैंने 100 रुपये में सेल्फी स्टिक लिया है। तो जो है ना एक लंबा हो जाता है, ये देख सकते हो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ये शॉर्ट भी हो जाता है ऐसे। तो गाइज मैंने ये सेल्फी स्टिक ली है 100 रुपये में, ज़्यादा महंगी नहीं है 100 रुपये में। और मैंने कल एक मोबाइल का कवर लिया था और मोबाइल का कवर, मैंने बहुत सारे मोबाइल के कवर देखे लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब कि वो जो है ना कवर के ऊपर प्रिंट रहता है, मुझे वैसा नहीं लेना था, मुझे कुछ अच्छा सा लेना था, मतलब कि जो चल रहा है आजकल स्पार्कल वाले और जो लिक्विड वाले होते हैं तो वो मुझे लेना था, पर वो उसकी शॉप में था नहीं। तो मैंने सोचा कि अब आ गए हैं तो एक कवर ले लेते हैं, क्योंकि कवर इसमें ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ अच्छा सा लेना था। तो मैंने सोचा कि जो है ना एक कवर ले लेते हैं, जो भी मिल जाएगा जो ठीक ठाक दिखता है तो वो ले लेते हैं। तो ये मुझे एक कवर मिला था, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसमें मिकी माउस बनी हुई है, तो ये मुझे कवर अच्छा लगा। तो ये कवर जो है सिर्फ 150 रुपये के करीब में है, मतलब 150 का ये कवर है। तो ये मैंने कवर लिया था, मुझे अच्छा लगा था, इसका कलर अच्छा था, एक इसमें पिंक था और एक ब्लू कलर का था। तो मैंने कहा ब्लू कलर का नहीं लेंगे, पिंक कलर बहुत ज़्यादा लाइट पिंक था, तो मैंने कहा वो गंदा हो जाता है, लाइट तो ये भी कलर है ये भी गंदा हो जाएगा, पर मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा कवर का क्या है, 1-2 महीने में ख़राब हो जाता तो फिर तो चेंज करना ही होता है, तो फिर इसी को ले लेते हैं, जब तक ये चलेगा 4-5 महीने 6 महीने उसके बाद चेंज कर देंगे। और कोई अच्छा सा एक, मेरा जो मोबाइल है वो अभी मतलब कि 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ है, तो नया मोबाइल होने के मॉडल होने की वजह से कवर भी जल्दी नहीं मिलता है। तो गाइस जो है ना अभी मैंने मशीन लगा के रखा है फिर, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं कपड़े नहीं धो पाई हूँ, तो अभी इवनिंग में मैंने मशीन लगा दिया कि इवनिंग में कपड़े धो लूँ, क्योंकि कपड़े अगर बहुत सारे हो जाते तो धुलने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं रोज़ के रोज़ कपड़े निपटा देती हूँ। और कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे तो कल के भी थे आज के भी थे, दोनों दिन के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं निपटा ही दूँ, नहीं तो अगर 4-5 दिन के होते तो काफ़ी कपड़े हो जाते। और जैसे कि हम पता है कि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो यहाँ पर एक अर्गनी है जो बाहर के साइड में, तो कपड़ा फैलाने में बहुत दिक्कत हो जाता है अगर ज़्यादा कपड़े होते, फिर बालकनी में लटका के फैलाना पड़ता है, तो फिर वो एक तो डस्टी एरिया है तो बहुत डस्टी हो जाता है। तो मैं रोज़ के रोज़ ही कपड़े को निपटा देती हूँ कि बस जितने अलगनी में फैल सके, मतलब जो डोरी होती है उस डोरी में फैल सके उतने ही मैं कपड़े धोती हूँ। तो गाइस चल रही है, अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे कपड़े की मतलब मशीन की आवाज़ आ गई है, तो मैं अब ड्रायर में उसको लगाऊँगी, तो थोड़ी देर में मैं आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ।
लस्सी बनाने जा रही हूँ और ये लस्सी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो गाइस ये मैंने दही लिया है आधी कटोरी करीब में और शक्कर लिया है और ये कटोरी करीब में दूध लिया है और ये है मेरा रूह अफ़ज़ा। तो गाइस जो है ना मैं इस दही को इस मिक्सी में डाल दूँगी, मिक्सी ये लस्सी बनाने वाली मिक्सी है, इसमें डाल दूँगी। और मैं ज़्यादा खट्टा पीती नहीं हूँ, मतलब खट्टी दही नहीं खाती हूँ, तो ये तो दही मीठी है लेकिन फिर भी मैं इसमें दूध मिला दूँगी, ये पूरी एक कटोरी। और गाइस जो है ना इसके अंदर मैं शक्कर डाल दूँगी, मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है तो इतनी शक्कर डालूँगी जैसा आपका टेस्ट हुआ वैसे पिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालूँगी, ये मैंने जो है ना 2-3 चम्मच के करीब में रूह अफ़ज़ा डाला है। अब मैं इसको जो है ना मिक्सी में ही पीस लूँगी, पीस कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ फिर क्या। लस्सी बन गई है, अब मैं इसे ग्लास में निकाल लूँगी। और आइस डाल दूँगी, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लस्सी बन गई है। अब इसको थोड़ी सी गार्निश करने के लिए मैं ये रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी। अब मैंने इसमें नहीं आइस मिलाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ा टाइम है, जो वो जा जाएंगे तभी मैं इसमें आइस मिलाऊँगी। जो है ना अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मतलब डिनर की तैयारी करने की, मैंने दाल बना दी हुई, दाल तो प्लेन बनाती हूँ मैं और लंच में मैंने दाल नहीं बनाई थी आज, तो मैं इवनिंग में मतलब डिनर में दाल बनाई हूँ। और जा करके अब मैं थोड़ी देर में सब्जी छौकूँगी, मतलब सब्जी बनाऊँगी। और आज सब्जी कोई विशेष है नहीं घर में, तो मैं आलू टमाटर की सब्जी सूखी बनाऊँगी। तो गाइस जो है ना अभी मैं पापड़ भूनने जा रही हूँ और अभी ये कहीं गए हुए हैं, मतलब कोई अपने गाड़ी वाड़ी बनवानी थी तो उसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो अभी लौट के आए नहीं है। तो आएंगे तो फिर वो अपनी लस्सी फिनिश करेंगे और मेरे पीछे गिलास रखा हुआ मेरी लस्सी का, मैंने पी लिया है। तो गाइस जो है ना अब यही जो है, अब मैं यही आज कोई खास डिनर बनना नहीं क्योंकि सिर्फ दाल ही बनी थी, तो वही दाल को ही मैं छौंक दूँगी और सब्जी बना लूँगी, यही मेरा आज का डिनर रहेगा। हल्का सा फुल्का सा दाल तो बन चुकी है, बस सब्जी छौंक दूँगी। और मैं अभी जा रही पापड़ भूनने, पापड़ भून लेती हुई कि आएँगे तो तुरंत डिनर इनको चाहिए होगा क्योंकि मैं भूख लगी हुई है, तो पहले लस्सी और जो पापड़ है आलू के वो खा लेंगे, उसके बाद डिनर मतलब आलू सब्जी छौंक देंगे वो बन जाएगा, फिर डिनर कर लेंगे। और गाइस से मैंने कल बताया था कि मैं कोई खुशखबरी आपको दूंगी, तो वो मैं लास्ट में ब्लॉग के दूंगी, तो आप देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलते हैं गाइस, मैं जल्दी से पापड़ भूज लेती हूं। तो गाइस यहां पे मैं पापड़ भूज रही हूं क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरे हस्बैंड घर पे हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम था इसलिए वो आज रुके हुए हैं, नहीं तो अक्सर वो सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे ही रहते हैं तो कोई भी नाश्ता बन नहीं पाता, तो आज वो शाम को घर पे थे तो मैंने उनके लिए लस्सी बना दी और पापड़ भूज दूँगी। तो फ्रेंड मैं यहाँ आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी। और थोड़ी सी हींग डालेंगे और जीरा हींग जब छटक जाएगा तब मैं इसके अंदर प्याज मिलाऊँगी। तो ये जीरा हींग छटक गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज मिलाऊँगी। प्याज को थोड़ी देर तक भूंजेंगे, जब तक ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया तो अब मैं इसके अंदर टमाटर और मिर्च डाल दूंगी और इसमें मैं रेगुलर मसाले अपने डालूंगी, मतलब जो रोज के मसाले हैं, तो जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और टमाटर ये मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, मतलब जब तक टमाटर गल नहीं जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे।
तो इसके बाद इसके अंदर सब्जी डालेंगे। तो पहले फ्रेंड ये मसाला पक गया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर आलू मिक्स करूँगी। ये आलू है, मैंने आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। तो गाइस ये थोड़ी देर से मैंने फ्राई कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर पानी मिलाऊंगी। और पानी उतना ही मिलाना है जितने ज़रूरत है, मतलब जितनी ग्रेवी चाहिए मुझे उतना मैंने पानी मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मीट मसाला मिक्स करूँगी। और इसको 5 से 10 मिनट पका लूँगी, क्योंकि आलू है, आलू जल्दी पक जाता है तो इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैं इसको ढक करके पका लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं दाल को सिंपल तरीके से छौंका लगा रही हूँ। तो चिमचे में मैंने घी लिया और घी गर्म हो जाता है तो मैं इसमें लहसुन और जीरे को डालती हूँ। जब ये पक जाएगा तब मैं मिर्ची और हींग डाल के छौंका लगा दूँगी। उसके बाद जा कर के मैं यहाँ पे आटा ली हूँ, चाल के आटा मैंने लिया हुआ है। और उसके बाद मैं आटा सान लूँगी, क्योंकि आज मैंने लंच में आटा नहीं साना था, क्योंकि 4-5 रोटी के लिए आटा था तो मैंने लंच में वो रोटी बना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा सान रही हूँ, और शाम को मैंने थोड़ा सा ही आटा साना है जिसका मैं रोटी भी बना सकूं, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो सुबह काम आ जाएगा, नहीं तो मैं थोड़ा ही आटा सानती हूँ बस एक बार की यूज़ के लिए। तो गाइस जो है ना, मेरा आटा सन जाएगा तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं दाल को गर्म कर रही हूँ क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। तो गाइस 9:30 बज रहा है और अब डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब डिनर निकाल दो, तो मैं जल्दी से रोटी सेक लूँगी। और रोटी सेकने के बाद मैं अपने हस्बैंड की थाली निकाल दूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं रोटी एक एक सेक के उनको देती हूँ। मैं रोटी जब बना करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि बना के रोटी रखने से खाने का टेस्ट अलग होता है, और गरम गरम रोटी खाने का टेस्ट अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड गरम गरम रोटी खाते, तो मैं उन्हें गरम गरम रोटी सेक के देती हूँ। और हेलो गाइस, अब हमारा डिनर हो चुका है, मतलब डिनर में आज ज़्यादा कोई डिशेस नहीं बनाया। आप देख सकते हो कितना गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। तो आज मैंने सब्जी, रोटी और दाल बनाई थी, और गाइस हम दोनों ने अब डिनर कर दिया है और ये अपना मतलब बेडरूम में जा चुके हैं आराम से। तो मतलब कि ये ज़्यादा बाहर बैठते नहीं है, तो ये अंदर ही मतलब कि आराम से बैठ कर लेटते हैं, अपना मूवी वगैरह देखा करते हैं। तो गाइस अब यह जो है ना, मैंने आपको कल बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मतलब खुशी मिली है। तो गाइस वो हमारी ये खुशी है कि हमारे एक मंथ से मतलब प्रोसेस चल रहा था, एक हम लोग मतलब खोज कर रहे थे लेकिन काम नहीं बन पा रहा था। तो गाइस जो है ना, अभी मेरे हस्बैंड ने कल एक जो है ना प्लॉट लिया है, और जल्दी हमारा अपना घर होगा। अब घर कब तक होगा ये तो नहीं जान बता सकती, क्योंकि शायद इस साल के अंत तक या जो है ना आने वाले साल की शुरुआत तक हमारा अपना घर होगा। पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कल प्लॉट लिया है, और जो है ना जल्दी हमारा घर भी बनेगा, और शायद उसकी भूमि पूजा जो है ना 16 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अभी पंडित जी का कहना है तो वो 16 तारीख के बाद 18 या 19 तारीख को ही अच्छा मुहूर्त है, तो उसी मुहूर्त में भूमि पूजा होगी। और देखते हैं मेरे हस्बैंड कब तक भूमि पूजा कराते हैं। फिलहाल तो 19 तारीख का मतलब दिन डिसाइड किया गया है, पर देखते हैं कब तक भूमि पूजा होती है। तो गाइस जो है ना, अब यही थी मेरी खुशखबरी, और ये खुशखबरी मतलब कल से बहुत खुश थी इसकी वजह से, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटा सा घर हो या बड़ा सा घर हो, घर होता है वो अपना होता है। और इसीलिए जो है ना इसका प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों तक हमने आपको बताया कि मैं दिल्ली वगैरह में रहती थी, वहाँ हम लोग का रहने का कोई विचार नहीं था कभी भी। तो वहाँ पर हम लोग ने कुछ भी कभी नहीं लिया, मतलब कि जो है ना रेंट में ही रहते थे, क्योंकि वहाँ का घर भी ले पाना इतना मुश्किल का होता है, क्योंकि कोई भी मकान चाहे छोटा सा भी लो तो वो लाखों करोड़ों में मिलता है, मतलब कि कम से कम 60 लाख के ऊपर का ही कोई छोटी सी ज़मीन मिलेगी, और कहो तो करोड़ों में मिलता है, फ्लैट वगैरह तो करोड़ों में मिलता है। तो वहाँ पे तो नहीं जो है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ रहेंगे, तो इसलिए फ्लैट वगैरह लेंगे कभी। पर हम लोग का जो है ना लखनऊ में ही बसने का इरादा था। तो गाइस जो है ना, अब
एक छोटा सा पड़ाव, मतलब कि हम लोग की ज़िंदगी में आए कि एक प्लॉट हम लोग का हो गया है। अब देखते धीरे धीरे ही मकान बनेगा, क्योंकि मैं तो मिडिल फैमिली की हूँ और आप जो है ना जानते हैं कि हमारे हस्बैंड से मिडिल फैमिली है, तो प्लॉट तो ले लिया है पर घर कब तक बनता है उसका कुछ कह नहीं सकते। पर कोशिश रहेगा कि साल के अंत तक या आने वाले साल की शुरुआत तक हमारा अपना मतलब घर बन जाए, क्योंकि जो है ना अब लखनऊ में आ गया तो रेंट पे वगैरह में रहना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर ऐसा होता था कि दिल्ली में थे तो वहाँ किराए पे चल जाता था, पर लखनऊ में अब अपना घर होना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए गैस तो अब अपना भी मकान होगा और चाहते हैं गैस यही खुशखबरी थी आप लोग को बतानी थी। और फ्लैट वगैरह भी मेरे हस्बैंड ले सकते थे पर मुझे फ्लैट पसंद नहीं है, और बना बनाया मकान भी एक खरीद सकते थे लेकिन बना बनाया मकान भी मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कि कहते ना कि मजबूती का एक अपना रहता है कि मजबूती होगी कि नहीं होगी उस मकान में। तो और जो अपने आप से जो प्लॉट लेके घर बनाते हैं उसको बनाते हुए देखना, उसको लेबर मिस्त्री से बनवाना, और वो एक ट्रस्ट होता है, वो उसमें कहते ना इमोशन जुड़ा होता है। तो गाइस है ना इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि प्लॉट लेंगे, तो चाहे छोटा ले चाहे बड़ा ले लेकिन अपना प्लॉट लेंगे। और अब इन्होंने प्लॉट ले लिया है तो गाइस अब जल्दी हमारा मकान भी बन जाएगा। तो गाइस यही खुशखबरी थी, तो चलते हैं गाइस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी है, यहाँ पे किचन में खड़े हो पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इतना सा भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता है। तो गाइस है ना लाइक देना मत भूलिएगा और अपना कमेंट भी मुझे करिएगा कि जो है ना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलते हैं गाइस, बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तब तक मैं चलती हूँ, बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।